हेलो, वेलकम टू स्टडी फोरम। स्टडी फोरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम प्रैक्टिस सेट जो कर रहे थे कंप्यूटर का, यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं इन टॉपिक्स के मिक्स क्वेश्चन होंगे। हमारी एक सेपरेट वीडियो चल रही है जिसमें हम ये टॉपिक वाइज वीडियो भी हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सारे इनमें क्या होगा खास बात कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे रिलेटेड ही क्वेश्चन वहाँ पे होंगे। यहाँ पे हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे जो आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जहाँ पे भी कंप्यूटर पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं। 8 पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है, ये 9वां पार्ट है। इसमें हम देखते हैं 50-50 क्वेश्चन की MCQs हम ये सेट लेके चल रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपके कंप्यूटर पूरे के पूरे हो जाएं। इजी टू मॉडरेट टू हाई लेवल तक के क्वेश्चंस भी हम करेंगे, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, इसमें हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर को सिर्फ पढ़ेंगे, क्या आंसर इसमें सही है वो। और मैं आपको बता दूं, जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है ऑप्शन में, वो आंसर है आपका। मैं जो क्वेश्चन डिस्कशन करना होगा, जो लगता है कि वाकई में यहाँ पे डिस्कस करा जा सकता है, जो ज़रूरी है उसको डिस्कस करेंगे। बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस को हमने बताया कि जो हमारी सेपरेट वीडियो पार्ट वाली चल रही है, टॉपिक वाइज वाली, उस पर हम उनको डिस्कस कर चुके हैं। प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज़ नंबर इन। देखिए कह रहा है, कोई प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट किया जाता है क्या प्रायोरिटी के बेसिस पे होती है, ये बैच प्रोसेसिंग प्रायोरिटी के सिस्टम पे वो आपके एग्जीक्यूट होती है। IBM क्या है गाइज, आपको पता है IBM एक कंपनी है जो कि कंप्यूटर बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज फर्स्टली डेवलप द माइक्रो प्रोसेसर। देखो, माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले किस कंपनी ने डेवलप किया, तो इंटेल। आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटेल के ही माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर बिकते हैं। हालांकि कंपनियां और आ चुकी हैं, बट माइक्रो प्रोसेसर आज भी टॉप पे है और पहली बार इन्होंने ही लॉन्च किया था। द सिलिकन वैली वेयर न्यूमरस माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर लोकेटेड इन द कंट्री। तो जो सिलिकन वैली, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता हुआ है सिलिकन वैली है कहाँ, तो सिलिकन वैली USA में है, अमेरिका में है। ये किस लिए फेमस है, वहाँ पर कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोसेसर की कंपनीज हैं, वहाँ पे प्रोसेसर बनाती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं। द इन्वेंशन ऑफ द, यहाँ पे डैश, हैड द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर। तो ये है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के इन्वेंशन के बाद कहीं ना कहीं कंप्यूटर में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स आई थी। एक्सपेंशन कार्ड आर इंसर्टेड इनटू, देखिए एक्सपेंशन कार्ड जो होते हैं वो कहाँ इंसर्ट होते हैं, ये स्लॉट में होते हैं। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। यहाँ पे देखिए MCQs है गाइज, आप इसको देखिए, आप करिए, कितना कर सकते हैं उसको कोशिश करिए। कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, एकदम बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस कराएंगे, जो कि क्योंकि हर एग्ज़ाम देते रहते हैं आप लोग, तो कहाँ कैसा क्वेश्चन पूछ ले जाए ये कंफर्म नहीं होता है। इस वजह से हम हर तरीके के क्वेश्चंस को देखेंगे। अ प्रोग्राम डिज़ाइन टू डिस्ट्रॉय डेटा ऑन योर कंप्यूटर विच कैन ट्रेवल टू इन्फेक्ट अदर्स कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो ये क्या कह रहा है, इसको वायरस होता है। वायरस कहीं ना कहीं क्या होता है, आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करता है, उसके फाइल को ख़राब करता है, वो इन्फेक्ट करता है। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, मैनुअल टेल्स हाउ टू यूज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। यूज़र जो होता है, यूज़र मैनुअल जो होता है, हम यूज़ करते हैं यूज़र मैनुअल के थ्रू, हम ये देखते हैं कैसे क्या प्रोग्राम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे गाइस, आप कोई कंप्यूटर मोबाइल ख़रीदते हैं, तो उसमें एक यूज़र मैनुअल आता है, उसमें लिखा रहता है पूरी डिटेल्स, कैसे कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे उसके अडाप्टर यूज़ करने हैं, ये सारी चीज़ें। अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड इज़ कॉल्ड। तो जी ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, DBMS का एक अलग वीडियो है, आप देख सकते हैं, डेटाबेस होता है। अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड, यानी कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड क्या कहलाती है, एक तरीके का होता है डेटाबेस। डेटाबेस पर एक अलग वीडियो बन चुकी है, उस पर कम से कम 7 से 8 वीडियोस बनी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ पे कराए गए हैं, आप देख लीजिएगा। प्रिंटर अटैच्ड ऑन, प्रिंटर जो होते हैं किससे अटैच होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, पैरेलल स्लॉट, पैरेलल पोर्ट के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं प्रिंटर। अ कंप्यूटर सिस्टम रिकॉग्नाइज ओनली, कंप्यूटर सिस्टम वाकई में 0 और 1 को सिर्फ समझ पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ अ फाइल इज ट्रांसफर फ्रॉम अनदर कंप्यूटर टू अ योर कंप्यूटर इज कॉल्ड. देखिए कोई भी फाइल होती है जो किसी कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर पे फाइल ट्रांसफर की जाती है तो उसको हम कहते हैं डाउनलोडिंग कहते हैं. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. व्हाट रिफर्स टू द अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ पार्टिकुलर डिज़ाइन. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट रिफर्स टू कैरेक्टर ऑफ कैरेक्टर सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन पार्टिकुलर डिज़ाइन इज अ कैलीग्राफ. इसको कहते हैं ऑप्शन बी इज अ कैलीग्राफ. द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल टू सी डी इज नोन एज. देखिए कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है कोई भी फाइल जो होती है हम कॉपी करते हैं सीडी में तो उसको हम क्या कहते हैं, बर्निंग कहते हैं. ठीक है, इसे सीडी आप लेके आइए मार्केट से ब्लैंक सीडी और उसमें से फाइल को आप उसको उस किसी सीडी में डालनी है तो उसको बर्निंग करते हैं. उसको कॉपी करना बर्निंग कहलाता है. कॉपी करके बर्निंग कहते हैं तो आपकी फाइल उस सीडी में आ जाती है. एम आई डी आई स्टैंड्स फॉर कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है. एम आई डी आई का फुल फॉर्म ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. अ डेटाबेस इज टिपिकली कंपोज्ड ऑफ वन और मोर टेबल्स होती हैं. गाइस आपको पता है टेबल्स में रोज कॉलम्स भी होते हैं तो डेटाबेस जो होती है कलेक्शन ऑफ टेबल्स होती है. इस तरीके से समझ लीजिए. डेटाबेस का फर्स्ट वीडियो देखिए आप, उसमें बहुत डिटेल से बताया गया है. इंफॉर्मेशन अबाउट जस्ट वन इंडिविजुअल पर्सन इन रिफर टू एज रिकॉर्ड. डिफॉल्ट व्यू इन एक्सेल इज नॉर्मल. नॉर्मल व्यू में इसको देखते हैं. डिफॉल्ट जो व्यूज होता है एक्सेल का नॉर्मल होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सेलेक्ट इंटायर डॉक्यूमेंट्स. इंटायर डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का यूज करते हैं. शॉर्टकट की वीडियो एक अलग है चैनल पर गाइज, उसको आप देख सकते हैं. मैन स्टैंड फॉर. मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं. NIC स्टैंड्स फॉर. NIC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है. एक तरह ये नेटवर्किंग में यूज़ करते हैं NIC का फुल फॉर्म. इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू योर कंप्यूटर ऑन कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट फ्रॉम द अदर लोकेशन यू कैन यूज टेलनेट. टेलनेट के थ्रू हम यूज़ करते हैं. फिर से क्वेश्चन का, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू योर ओन कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट फ्रॉम अदर लोकेशन यू कैन यूज टेलनेट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोग्रामिंग पैराडिज्म टाइप. ये नॉट प्रोग्रामिंग पैराडिज्म टाइप होता है सेशन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. OEM सॉफ्टवेयर स्टैंड्स फॉर. OEM स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर सॉफ्टवेयर. डी is right answer. Which of the following enables user to visit a website. इसमें से हमें क्या इनेबल करता है किसी वेबसाइट को विजिट करने के लिए, यानी किसी वेबसाइट पर आप जाते हैं उसको विजिट करने के लिए क्या कंपल्सरी होता है, वो होता है ब्राउज़र. यानी वेब ब्राउज़र कहते हैं उसको. Which सुपर कंप्यूटर इज़ डेवलप बाई इंडियन साइंटिस्ट. इंडिया में सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर हुआ था, डेवलप किया गया था, उसका नाम था परम. सुपर कंप्यूटर टर्म्स कंसिडर्ड एज. सुपर कंप्यूटर टर्म्स कंसिडर्ड एज इन ऑप्शन देखें, इंटेलिजेंट टर्मिनल्स होते हैं. कहीं ना कहीं सुपर कंप्यूटर का मतलब बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी से फुलफिल होते हैं ये. पोस्ट स्टैंड्स फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होता है गाइज, ये हमने लास्ट वीडियो में बता दिया, आप उसको जाके देख सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम इज़ नेटिवली यूज बाई द कंप्यूटर. कहने का मतलब होता है ये कि वो कौन सी लैंग्वेज होती है, यानी कि कौन से नंबर्स होते हैं जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं. तो बाइनरी नंबर होते हैं. बाइनरी क्या होते हैं, ज़ीरो और आपका वन. ये कंप्यूटर यही लैंग्वेज को समझ पाता है, यही भाषा समझता है. द ट्रांसमिशन मोड विच अलाउ बोथ कम्युनिकेटिंग डिवाइस टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली इज फुल डुप्लेक्स. देखिए मोड ऑफ हमारी एक वीडियोज़ है ट्रांसमिशन मोड का, उस पर आप देख लेंगे, सेपरेट वीडियो है वहाँ पे सब कुछ. ये फुल डुप्लेक्स क्या होता है, सिंपल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, तो सब के बारे में डिटेल से वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि होता क्या है. तो आप गाइस इसमें देख लीजिए, इसके बताया है तो यहाँ पे समझिए कि जो वो कम्युनिकेटिंग डिवाइस हो चाहिए दोनों तरीके से हो, दोनों साइड से हो, यानी कि रिसीविंग एंड से ट्रांसमिशन एंड से, दोनों तरीके
तरीके दोनों तरफ से एक ही टाइम पे कम्युनिकेशन हो तो उसको हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू द इंटरनेट एंड वेब डेवलपमेंट। तो इंटरनेट एंड वेब डेवलपमेंट पे क्या नहीं है, देखो CSS का यूज़ हम करते हैं वेबसाइट में, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं, HTML, DOS जो होता है, DOS हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये हमारा इंटरनेट एंड वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो DOS हो जाएगा आपका राइट आंसर। MP3 क्या है आपको पता है, ये साउंड फॉर्मेट है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड बाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इसको आप रट लीजिए किसी भी तरीके से, कई जगह पूछा जाता है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड बाई जेम्स गॉसलिन के थ्रू ने इन्वेंट किया था जावा प्रोग्रामिंग को। विच आर द फॉलोइंग बसेस अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर, तो कौन सी बसेस होती हैं कंप्यूटर में अवेलेबल होती है, एड्रेस बस, डेटा बस, सिस्टम, ऑल ऑफ द वेब, राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल परमानेंटली, तो इसमें से परमानेंट के जो होते हैं डेटा को आपको स्टोर्स करते हैं वो क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स प्रमोट परमानेंटली स्टोर करते हैं, वो होती है आपकी हार्ड डिस्क। CAD स्टैंड फॉर CAD, CAD स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। एप्पल कंप्यूटर वेयर फाउंड बाई, एप्पल कंप्यूटर जो है वो फाउंड किया गया था स्टीव जॉब्स के थ्रू। मदरबोर्ड होता क्या है गाइस, कई बार क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है मदरबोर्ड कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, ऑप्शन बी इज राइट, अ सर्किट बोर्ड विच कनेक्ट्स ऑल द इक्विपमेंट्स एलिमेंट्स। क्या होता है कि मदरबोर्ड पर जितने भी कंप्यूटर बनाए जाते हैं, ICs होती हैं, चिप्स होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, रजिस्टर होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, ये सारे इस पर इनबिल्ट होते हैं मदरबोर्ड पे। मास्टर फाइल्स कंटेंट्स डेटा ऑफ, मास्टर फाइल्स जो होते हैं डेटा कंटेंट्स करते हैं परमानेंट नेचर की तरह कंटेंट्स करते हैं। JVM स्टैंड्स फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, JVM स्टैंड पर जावा वर्चुअल मशीन, कई बार ये पूछा गया है, JVM स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन। एनालिटिक इंजन वॉज डेवलप्ड बाई चार्ल्स बेबेज, गाइज एक चीज़ और बता दूँ, इसी इंजन आपको पता होगा कि कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है गाइज, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर में आप हमारी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के वीडियो जाके देखेंगे, फर्स्ट वीडियो है, वहाँ बड़े डिटेल से बताया गया है कि जिन्होंने जिस कंप्यूटर का डेवलप किया था, जिन्होंने उसका इन्वेंशन किया था, लेकिन चार्ल्स बेबेज को ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया, तभी से कंप्यूटर में एक तरीके की क्रांति आई, एक तरीके की इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ, वहीं से इनको कहा जाने लगा चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर। एडवांस इंटरनेट इज़ एन एग्जांपल ऑफ मैस नेटवर्क, मैस, स्टार, बस, ये सारे टोपोलॉजीज हैं, टोपोलॉजी की हमारी वीडियो अलग से आप देख लीजिएगा, उसमें बड़े डिटेल से बताया गया है टोपोलॉजी के बारे में, ये जितने हैं सारे के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, इनके बकायदा डायग्राम पिक्चर के साथ आप वहाँ पे देख लेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, इसलिए गाइज यहाँ पे हम डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कम से कम समय में आपको क्वेश्चंस मिल जाए। आप वीडियो डिस्कस डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल्स, आपके हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जैसे जनरेशन फर्स्ट सेकंड जनरेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई हैं, वो सारे कौन सी मेमोरी यूज़ होती, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते थे, वो सारा हमने डिस्कस किया हुआ है। विंडोज़ लोगो प्लस डी, जो विंडो लोगो होती है आपके कीबोर्ड पे या सिस्टम पे, प्लस डी, कंट्रोल डी का यूज़ करते हैं शॉर्टकट, तो क्या होता है, डिस्प्ले द डेस्कटॉप को डिस्प्ले करता है वो। यू कैन शट डाउन द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग, तो कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, विंडोज़ बटन को प्लस UU, विंडोज़ प्लस यू इन XP के फॉर्म में होता है, देखिए XP में होता है, ये बड़ा पुराना क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, वैसे इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, इसमें पता नहीं कैसे आ गया, खैर कोई बात नहीं, जान लीजिए आप। 1 GB कंसिस्ट ऑफ, 1 GB में कितना होता है गाइज, 1 GB में 1024 MB होता है गाइज, एक वीडियो हमारी सेपरेट है मेमोरी की,
जिसमें मेमोरी के बारे में हमने पूरा डिटेल से बताया है, वहाँ पे मेमोरी की वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो सारा का सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा साइज़ को लेकर के, 1 GB, 1 TB, 1 KB क्या होता है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर टाइप्स इंक्लूड्स, जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर से उसमें क्या है, नोटबुक है, अल्ट्रा बुक है, क्रोम बुक है, ऑल ऑफ द अबव। गाइस फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर अभी कह लो कि पूरी तरीके से मार्केट में नहीं आए हुए, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की तरह के कंप्यूटर होगा। व्हाट इनपुट डिवाइस यू कैन यूज टू नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर इंसिस्ट ऑफ माउस, देखिए वो क्या होता है, ट्रैक बॉल, आप इसमें जॉयस्टिक भी कई लोग कर सकते हैं, बट आप देखिए अगर ध्यान से नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर इंस्टिट ऑफ किस पे डिवाइस, इनपुट डिवाइस की बात कर रहा, तो ट्रैक बॉल की, जॉयस्टिक आपका एक तरीके का गेम खेलने का काम आता है। इफ सम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन पेपर बट यू वॉन्ट टू ट्रांसफर इट टू द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर फॉर फर्दर मैनिपुलेशन, विच डिवाइस यू कैन यूज़, तो ऑब्वियस सी बात है यार, इसको अगर हार्ड कॉपी में है तो उसको हम स्कैन करेंगे, स्कैन करके फिर उसको क्या करेंगे, स्कैनर आ जाएगा ऑप्शन, फिर उसको हम अपने लैपटॉप में डाल के, सिस्टम में डाल करके उसको यूज़ करेंगे। CRT स्टैंड फॉर, CRT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, CRT का कैथोड रे ट्यूब होता है। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन गाइस देख लेते हैं, 50वां क्वेश्चन है यहाँ पे, इसके बाद तुरंत आपको वीडियो नेक्स्ट डेज मिल जाएंगी, MCQs के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और इतने वीडियो मिलते रहेंगे, आप क्वेश्चन बस करते रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत से क्वेश्चन करा देंगे, किसी भी एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। 50वां क्वेश्चन है, विच इज़ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप CPU, तो वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं कैच मेमोरी। तो गाइज़ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो स्टडी फोरम को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ सजेशन ज़रूर दें, अगर किसी तरीके का आपको सजेस्ट करना हो, हमें राय देनी हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको इम्प्रूवमेंट ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।